श्री विद्याय नमः। सभी कुंभ राशि वाले जातक, नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, कौन कौन से ग्रहों के परिवर्तन है और आपके जीवन पर होगा क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या आपको उपाय करना है, सभी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी आज की वीडियो में। स्वास्थ्य, करियर, विद्यार्थी, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, भाग्य और व्यापार, सब क्षेत्रों पर बात करेंगे क्या उपाय करने हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु शुरू करने से पहले जो भी जातक अपने जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप मैसेज करें। वहीं यदि आप अपनी सटीक जन्म पत्रिका पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम मूल्य पर, तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज पर आप टाइप करें सटीक जन्म पत्रिका पीडीएफ। और आपको मैं एक निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है हमारे माँ श्री विद्यात्री प्रसन्नी शक्तिपीठ में। तो उसमें आप प्रतिभाग अवश्य करें, क्योंकि शनि, राहु, केतु आदि सभी क्रूर ग्रहों से जन्य दोषों से निवृत्ति के लिए इस कलियुग में सद्य है हनुमान जी महाराज और भैरव बाबा की शरण बताई गई है। इसलिए उसमें आप जरूर कंट्रीब्यूट करें, अपना गोत्र, नाम और जो भी आपकी यथाशक्ति दक्षिणा है उसको भेज करके आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। या आपकी वीडियो के अंदर वीडियो में आप ऐड देख पा रहे होंगे भैरवाष्टमी महोत्सव का। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले सभी जातक, शनि महाराज की स्थिति भी आपकी राशि के ऊपर, यानी कि शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी आप पर चल रहा है और कुछ बड़े बड़े परिवर्तन जानते हैं। सूर्य मंगल 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। आपके करियर भाव में विशेष आपको लाभ भी मिलने में जा रहा है और विशेष उन्नति भी है, जानते हैं क्या होगा। इसी के अलावा बुध महाराज भी 6 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, ये भी करियर भाव में आ जाएंगे। परंतु थोड़ी सी इस महीने शुक्र की स्थिति ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रही। शुक्र 2 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक तुला राशि कन्या राशि में रहेंगे आपके अष्टम भाव में, उसके बाद में तुला राशि में आएंगे। वहीं शनि महाराज 4 नवंबर को आपकी राशि पर मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के मार्ग की अवस्था अलग से भी वीडियो बनाएंगे, परंतु संक्षिप्त में आपको बताते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, शनि बताते हैं। सबसे पहले यदि आपको थकान, नसों में दिक्कतें, पैरों में, जोड़ों में दर्द की समस्या, ऐठन की समस्या रही है, तो ये मुख्य रूप से शनि की वक्र अवस्था का प्रभाव आपके ऊपर जरूर रहा होगा, क्योंकि शनि तो 12वें घर का फल कर रहे थे और उस अवधि में शनि ने खर्च भी बहुत बढ़ा रखा था। तो शनि की मार्ग की अवस्था में आपका धन खर्च पे कुछ ना कुछ रोक लगेगी और जो पैसा बीमारियों में, बर्बादियों में जा रहा था वो है रुकेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से उन्नत होना शुरू हो जाएगा। नसों की दिक्कतें, पैरों में दिक्कतें, थकान, आर्थिक शारीरिक शक्ति खत्म होना ऐसा महसूस हो रहा होता, इन सभी चीज़ों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए पंचमेश बुध की स्थिति शुरुआत में अष्टम भाव में रहेगी और 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में बुध महाराज आ जाएंगे। तो उससे पूर्व 6 नवंबर में जब वृश्चिक में आएंगे उससे पूर्व ये रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर, बुध की स्थिति भाग्य स्थान पर रहेगी। तो बुध की स्थिति ये दिखाती है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, यानी कि नवंबर का महीना अच्छा रहेगा। इसमें कोई एग्जाम है, कोई एडमिशन है, कर सकते हैं, ले सकते हैं, वहीं पर किस चीज़ को सीखना है। और कुछ विशेष विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है। कौन कौन से विद्यार्थियों को, जो CA की चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योतिष संबंधित किसी विद्या में आप विद्या को सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। वाणिज्य विभाग में है, अर्थशास्त्र संबंधित विभाग में है, बैंकिंग संबंधित, मार्केटिंग संबंधित, शिक्षा संबंधित, यानी कि शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में है, वो तो रिप्रेजेंट करता है शिक्षा को, और साहित्य या मंत्र, तंत्र, जप आदि चीज़ों में है, तो उनमें भी आपको विशेष विद्या लाभ यहाँ प्रदान करते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के ही प्रभाव हैं। क्यों? क्योंकि लव लाइफ के एक कारक ग्रह बुध है, यानी कि व्यक्ति तर्क शक्ति से सोच समझ करके समझ सकता है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाह रहा है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि आपसे आपके पैसों के चक्कर में है या आपसे लाभ लेने के चक्कर में केवल इस वजह से बात कर रहा है, तो आप भी अपनी लिमिटेशन उतनी ही कर देंगे। यानी कि समझदारी से अपने रिलेशंस को चलाना, ये बुध आपको सिखा देंगे। परंतु बैड बुरा इसी नहीं, क्योंकि शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में केतु के साथ में रहेगी लगभग पूरे महीने, 2 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र अष्टम भाव में ही संचरण करेंगे। तो ये आपस में तालमेल को लेकर के कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानी, समस्या दिखाते हैं, तो उसके लिए आप सजग रहे। बाकी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन के मालिक सूर्य महाराज लगभग 16 नवंबर तक रहेंगे अपनी नीच राशि तुला में, और उसके बाद में आ जाएंगे केंद्र में। तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन 16 नवंबर तक थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो सकता है। उसमें आपस में तालमेल ना बैठना या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होना पार्टनर को, और किसी कारण से उनको नेत्र संबंधित, सिर से संबंधित रोग होना ये देखने के लिए मिल सकता है। वहीं 16 तारीख के बाद में जब केंद्रगत सूर्य आ जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, जो मंगल की राशि में आएंगे
सूर्य की स्थिति के कारण से हालांकि शनि की दशम दृष्टि के अंदर सूर्य महाराज की स्थिति रहेगी, यानी कि सप्तमेश पर शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा, तो यह है कि थोड़ा सा बेटरमेंट होगा, परंतु चिंताएं थोड़ी सी बनी रहेगी दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो यहां पर आपस में आप अपनी वार्तालाप को बेहतर सुधारें, एक दूसरे के प्रति ध्यान दें। यदि आप में से आपके पार्टनर में से किसी की हेल्थ पर वेल्थ पर दिक्कत आती है तो आप उस पर खड़े रहें, यही आपका कर्तव्य पड़ता है इस समय अवधि में करने के लिए। वहीं भाग्य कैसा रहेगा आपका पूरे महीने, तो भाग्य स्थान के मालिक शुक्र महाराज की स्थिति ही थोड़ी सी खराब है, वही मैं कहना चाहता हूं। और शुक्र की एक स्थिति जो दिखाई दे रही है अष्टम भाव में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भाग्य भंग दोष का निर्माण होता है, यानी कि भाग्य को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति तीसरे घर में है, मंगल की राशि पर है और बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं और बृहस्पति लाभ को भी देख रहे हैं कि यदि आप सात्विक तरीके से यानी कि सीधे तरीके से कार्य करते हैं तो बृहस्पति आपको इस समय अवधि में लाभ नवंबर के महीने में दिलवा सकते हैं। थोड़ा सा यह होगा कि कार्य आप करेंगे, कार्य का जो रिजल्ट आपको वो 4 या 5 दिन बाद मिले, यानी कि लाभ मिलने की संभावना तो है परंतु कुछ समय बाद मिले, परंतु मिलेगी जरूर। तो यहाँ पर यह चीज देखने के लिए। बाकी करियर आपका कैसा रहेगा, तो करियर के लिए बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख के बाद से आपका करियर में विशेष उठान हो सकता है, बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जब सूर्य मंगल और बुध ये लगभग तीनों ही ग्रह, बुध तो 6 नवंबर में ही आ जाएंगे पर सूर्य और मंगल 16 नवंबर में आएंगे, तब क्या होगा कि सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा आपके दशम भाव में, मंगल अपने स्वराशि अपने घर में विराजमान होंगे, तो निश्चित तौर पर घर का मालिक घर में आता है तो अच्छा कराता है। मंगल की सूर्य की बुध की तीन ग्रहों की स्थिति आपके करियर भाव पर रहेगी, यानी कि आप कुछ लोगों को तो करियर में, वैसे सभी कुंभ राशि वालों को लाभ होगा, पर यदि आप अपनी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति जरूर दिखवा लें, अगर शनि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर वक्री है, शनि की 7.5 की बात नहीं हो रही, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की वक्र अवस्था है, शनि ने कोई दोष बना रखा है, वहीं आपके करियर भाव के जो मालिक हैं उनकी स्थिति खराब है, तब आपको ज्यादा पॉजिटिव परिणाम ना मिले। अदरवाइज यदि आपका दशमेश और आपका लग्नेश, आपके राशि के मालिक आपके लग्न के मालिक दोनों की स्थिति ठीक है, और वह कैसे पता लगेगी, कुंडली दिखवाने के बाद प्रेडिक्शन उसमें करी जाएगी। तो विशेष लोगों, वैसे करियर में सब लोगों का लाभ है परंतु 16 तारीख के बाद, परंतु जो लोग सेना में है, अग्नि संबंधित उपकरण में बनाते हैं या उनसे संबंधित किसी प्रकार की नौकरी में है, विद्युत संबंधित नौकरी में है, मैकेनिक संबंधित नौकरी में है, इंजीनियरिंग संबंधित फील्ड में है, या बॉडी बिल्डिंग आदि क्षेत्र में है, या स्पोर्ट में, या होटल मैनेजमेंट के कार्य में है, तो उन लोगों को विशेष करियर में तरक्की मिल सकती है। इसी के अलावा व्यापारिक क्षेत्रों की बात करें तो 16 तारीख के बाद से ही व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियां भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आपके सप्तमेश डेली इनकम के मालिक सूर्य महाराज चले जाएंगे केंद्र में और नीच राशि को छोड़ देंगे। सूर्य की स्थिति से जो लोग, मैं बताता हूँ, सभी व्यापारियों को लाभ है, परंतु जो लोग जोहरी हैं, रत्न संबंधित कार्य करते हैं, फाइनेंसर हैं, या चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं किसी भी फील्ड में, इसी के अलावा दवाई संबंधित आपका कार्य है, मेडिसिन विभाग के अंदर हैं, या मैनेजमेंट का आपका कुछ काम है, वही आप वस्त्र से संबंधित, कपड़ों से संबंधित किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, और आप मुख्य रूप से तांबा, सोना या लोहे से संबंधित भी आपका काम है, और मुख्य रूप से आप बीमा संबंधित कार्य करते हैं, MNCs कंपनी में जॉब करते हैं, या फर्नीचर संबंधित आपका काम है, या फिर फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका कुछ काम है, तो आपको विशेष तरक्की हो सकती है। ये बात होगी व्यापार की। बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है, कौन से ग्रह का उपाय। तो मैं आपके वर्तमान गोचर में देख पा रहा हूं कि आपको शुक्र का और बुध का दो ग्रहों के विशेष उपाय आपको करने हैं। शुक्र के लिए आप शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः मंत्र का प्रत्येक शुक्रवार में जाप करें, महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का शुक्रवार के दिन पाठ करें। इसी के अलावा सफेद रंग के रुमाल पर इत्र लगा करके, श्वेत पुष्प रख करके शुक्रवार को महालक्ष्मी मंदिर में आप उनके सामने चढ़ा करके आ सकते हैं। वहीं बुधवार को आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और अपने लग्न कुंडली को दिखवा करके रुद्राक्ष कवच जरूर धारण करें। आप में से 99% लोगों को पता नहीं होगा कि रुद्राक्ष कवच हमारे लगन के अनुसार होता है, कोई भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, कुंडली दिखवा करके ही पता होता है कि कौन से रुद्राक्ष और कौन कौन से मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना होता है, ये आपको एक रुद्राक्ष रिपोर्ट में मिलता है, तो वह आपकी जन्मपत्री के अंदर जो मैंने बताया है उसी के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी वह रिपोर्ट भी, और आप अपनी कुंडली का परामर्श भी करवा सकते हैं।
मित्रों मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओम श्री विद्या।